जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। स्टेशन के जो मर्जी क्षेत्र में प्रवेश करने पर कार्रवाई करना है। टिकट लेके आप लोग पहले आपस में बात डालते हैं, आपस में बात कर लेने दो बेटा, एक मिनट रहे कि हमारी मांग है कि उन पे कार्रवाई की जाए, अज्ञात लोगों में मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि ये नियमानुसार है ही नहीं। अभी माननीय योगी जी ने कहा, निर्देश दिए थे वो लुलू माल में जब नवाज पढ़ी गई थी सार्वजनिक स्थान पे, या कोई भी सरकारी वर्जी क्षेत्र में नवाज नहीं पढ़ी जाएगी, या हनुमान चालीसा या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो यहाँ नवाज पढ़ी गई उसके खिलाफ हम लोग यहाँ तहरीर लेके आए हैं। एक ट्विटर हैंडल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई थी, तो हम लोगों चूतिया बना रहे हैं पिछले डेढ़ घंटे। मामला कहाँ से शुरू हुआ था, ये कौन सी ट्रेन थी और कितने लोग थे, क्या मामला कहाँ शुरू हुआ? मामला शुरू हुआ है कल 8:35 पे, जो हमारी फरुखाबाद से कालिंदी जाती है उस कालिंदी के समय पे मामला शुरू हुआ। यहाँ बहुत सारे लोगों ने नमाज पढ़ी, और वो भी शायद RPF का महिला विश्राम गृह है, पुलिस का ही है। उसके ठीक बाहर जो मेरे पास एविडेंस है, फोटो है, उसमें साफ दिख रहा है जो महिला विश्राम गृह है उसके बाहर, जो कि पुलिस का ही है। और ऐसा भी जानकारी मिली कि वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, या तो जो लोग हमको फोटो दिखाना नहीं चाहते हैं या जो छुपाना चाहते हैं, जो भी इनका राव, या कैमरे नहीं लगे हैं तो क्यों नहीं लगे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने बहुत पहले कह दिया कि सभी स्टेशनों पर कैमरे लगे हैं। और माननीय सांसद जी ने अभी बयान भी दिया था कि हमारा स्टेशन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और यहाँ देख लीजिए कितना सुंदर है, यहाँ कैमरे नहीं लगे हैं, GRPF RPF दोनों बता रही हैं। और 8:35 पे यहाँ नवाज पढ़ी जाती है, बहुत बड़ी संख्या है, कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद में हमारा कोई भाई जिसने कि कालिंदी में बैठ के फोटो खींची, और 8:45 पे उसने ट्वीट किया है, प्रवीण मिश्रा नाम से उसकी आईडी है ट्विटर पे, और आज हमारे सभी हिंदू भाइयों के नॉलेज में आया मामला, तो हम लोग यहाँ आए हैं। और पिछले 2 घंटे से हम लोगों को यहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। अगर हमारी प्रार्थना जो दे रहे हैं प्रार्थना पत्र, इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मंगल को हम लोग यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे। उसके लिए हमें जेल जाना पड़े, कुछ भी हो। अभी क्या मांगे? अभी आप धरने बैठ गए हैं क्या? अभी हम यहाँ धरने बैठ गए हैं कि अधीक्षक साहब यहाँ आए, और हमारी जो एप्लीकेशन है वो मीमो कटता है, क्या कटता है, उसके बाद में GRPF बता रहे कि हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो मीमो काट के दे, उस पर कार्रवाई की जाए अज्ञात। अगर वो क्या मामला हुआ है, स्टेशन पर कई लोग जमा है, बता रहे हैं, जानकारी ले रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। नहीं, जो फोटो और फोटो वीडियो जो सोशल मीडिया पर, किस्मत में सर यहाँ पे, यहाँ यातायात निरीक्षक के पत्र हूँ सर। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वीडियो वायरल हुए हैं, उनको लेकर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जमा हुए हैं, क्या है मामला पूरा? अब इससे संबंधित जो भी है, जो ये लोग बता रहे हैं, मैं अपने अधिकारी से बात करके फिर वो बता पाऊंगा। क्या बता रहे सर, क्या बात हुई है अभी तक? अरे तो अभी तो मुझे ज्ञापन मिला है इसके बारे में, तो जानकारी चलिए ठीक है, तो जो भी हो क्या कार्रवाई क्या करेंगे आप? ये आप गलत वर्डिंग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पत्रकार भाई सभी लोग, ये FIR की कॉपी हम लोग उनको हम देंगे कार्रवाई करने के लिए, ज्ञापन नहीं है किसी प्रकार का, ज्ञापन हम लोग देंगे जब जब ज्ञापन की बात आती है किसी प्रकार की, हम लोग सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फिर मैं सुधार करने के लिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ लाइट खराब होगी, लाइट से इसका ज्ञापन दिया जाता है, इसके लिए कार्रवाई के लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। चलिए ठीक, कार्रवाई करेगा आप, करिए संबंधित डिपार्टमेंट को रेफर, हाँ रेफर करिए, इसको हम लोग जवाब दे रहे हैं, बैठे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं ये लोग, क्या होगा? ये संबंधित डिपार्टमेंट जो हमारे RPF है, GRPF, मैं उनको सूचित करूंगा, फिर उसके उसी के आधार पर जो भी होगा वो लोग करेंगे। फोटो वीडियो जो वायरल हुई है वो आइडेंटिफाई हो पाई है अभी तक, क्या रहा है अभी तक? अभी तक तो उसके संबंध में कोई इसके बारे में कुछ, हाँ इसके बारे में संज्ञान में आया नहीं है, जब आप लोग बता रहे हैं तो कैमरे वगैरह CCTV फुटेज देखा जाएगा क्या जिस एरिया की घटना है? यहाँ नहीं है CCTV, पूरी स्टेशन में कहीं भी CCTV कैमरे नहीं है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई ना। अब इतना बड़ा जगह है, कोई आके कुछ भी कर दे तो फिर बाद में तो कार्रवाई होती है, ये तो है नहीं कि हमेशा हम लोग। एक चीज और भी है, यहाँ कैमरे नहीं लगे क्या? कोई कुछ भी कर दे तो क्या होता, बाद में पता लगेगा। अब इतनी मीडिया के सामने आप कह रहे कोई कुछ भी कर जाए, कैमरा है नहीं किसी प्रकार से आप लोग।